ऑस्ट्रेलिया टीम के चीफ एग्जीक्यूटिव केविन रॉबर्ट्स का मानना है कि इस साल भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे होने के चांस काफी ज्यादा है। रॉबर्ट्स ने इस दौरे के होने की संभावना को लेकर 10 में से 9 रेटिंग दी है। निश्चित ही इससे लग रहा है कि इस साल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये सीरीज देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की वित्तीय हालत इतनी अच्छी नहीं है और इसी वजह से उनके लिए भारत के खिलाफ होने वाली सीरीज काफी ज्यादा जरूरी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अक्टूबर 2020 से लेकर जनवरी 2021 तक सीरीज खेली जानी है और इसी सीरीज की मदद से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अपने नुकसान की भरपाई कर सकती है। केविन रॉबर्टसन ने कहा, मेरे हिसाब से आज के समय में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, इसी वजह से मैं 100% नहीं कह सकता, लेकिन 90% ये सीरीज होगी। हालांकि मुझे काफी हैरानी होगी अगर भारत के खिलाफ सीरीज नहीं हुई। मैं ये नहीं कह सकता कि सीरीज में क्राउड देखने को मिलेगा या नहीं, हमें सिर्फ देखना होगा कि हालात किस तरह के हैं। आपको बता दें कि इस साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 सीरीज खेली जानी थी। इसके बाद नवंबर में दोनों टीमों के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज जो कि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के लिए खेली जानी थी, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए इस साल टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन हो पाएगा ये काफी मुश्किल नजर आ रहा है। हालांकि इसको लेकर अभी तक अंतिम फैसला भी नहीं लिया गया, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार 2020 टी20 वर्ल्ड कप पोस्टपोन होना लगभग तय है और इस बार क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को भारत सीरीज से काफी उम्मीद है, क्योंकि कोविड-19 के चलते क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को जो नुकसान हुआ है वो भारत के खिलाफ सीरीज से ही नुकसान की भरपाई कर पाएंगे। ऐसे में देखना होगा कि भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा होगा या फिर नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इसके बारे में कयास लगाए जा रहे हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए।